आर्कटिक के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अब आर्कटिक ध्रुव है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर में आता है। ये जो बर्फीला जगह है, साल के ज़्यादातर जो महीने होते हैं इनमें बर्फ ही जमे रहते हैं। इसका जुलाई का जो महीना होता है, जुलाई का महीना, उसकी जो टेम्परेचर होती है वो 10 डिग्री टेम्परेचर होती है। अब आप सोच सकते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर कितना कम टेम्परेचर होता है। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ सर्दियों में जो है 10 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब है कि जब जुलाई के महीने में 10 डिग्री टेम्परेचर है तो आप सोच सकते हैं कि इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। इसलिए यहाँ का जो एरिया है, आधा से ज़्यादा एरिया जो है वो बर्फ से ढका रहता है। अब हाल फिलहाल में ये पता चला है कि इस आर्कटिक सर्कल के अंदर में, इस आर्कटिक सर्कल के अंदर में लगभग $35 ट्रिलियन का खजाना छुपा हुआ है, जो जो कैलकुलेट करे तो 2,610 लाख करोड़ के बराबर होता है। अमेरिका का $21 ट्रिलियन का जो अर्थव्यवस्था है उससे भी कहीं ज्यादा है, और जो $15 ट्रिलियन जो चाइना का अर्थव्यवस्था है उसके दुगुने अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट का खजाना है। रहेंगे कि ऐसा क्या है इस खजाने में जो रशिया इसमें बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहा है, तो हम आइए इस खजाने के बारे में बात करेंगे। इस खजाने में जो है वो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, और कॉस्टली पत्थर और सोना है। अब आपको हम वर्ल्ड बेसिस पे बात करते हैं। जो वर्ल्ड बेसिस पे हम बात करेंगे, लगभग दुनिया का 13% तेल इस खजाने में, आर्कटिक के खजाने में लगभग दुनिया का 13% तेल है, 30% नेचुरल गैस है, और लगभग 75 लाख करोड़ का सोना और पत्थर है। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। तो रसिया, वैसे भी रसिया डिफेंस सिस्टम से लेकर के, वो अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें उसमें भी वो परिपूर्ण है। कहने के बाद डिफेंस सिस्टम भी उनके पास आजकल बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है रसिया के पास में। और रसिया, अगर ये खजाना रसिया को मिल जाता है तो वो सुपर पावर बन जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाला दो देश थे, अमेरिका और चाइना, इनसे भी कई गुना ज़्यादा अर्थव्यवस्था हो जाएगा रसिया के पास में। तो वो सुपर पावर बन जाएगा, इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। अब हम बात करेंगे रसिया को इससे और क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे रसिया को फ़ायदा ये हो सकता है, अगर ये बर्फ को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, अगर इस यहाँ के बर्फ को तोड़ करके आर्कटिक सर्कल के बर्फ को अगर ये तोड़ने में कामयाब हो सकता है, तो ये एक नॉर्दर्न सी रूट बना सकता है, एक समुद्र का रास्ता बना सकता है। जिस तरीके से आप स्वेज करनाल के बारे में जानते होंगे, लगभग 30% जो समुद्री जहाज का ट्रैफिक है वो स्वेज करनाल के रास्ते से, लगभग 30% ट्रैफिक वहीं से निकलता है हर रोज। तो स्वेज करनाल की तरह वो नॉर्दर्न सी रूट बनाना चाहता है, जिससे वो वहाँ से एक टोल रोड की तरह पैसा बना सकता है। जैसे एशिया से यूरोप के लिए, एशिया से यूरोप के लिए समुद्र के रास्ते लगभग 30 से 35 दिनों का समय लगता है। एशिया से यूरोप को जाने वाली जितनी भी शिप है उनको लगभग 30 दिनों का समय लग जाता है। अगर ये रशिया नॉर्दर्न सी रूट को बनाने में कामयाब हो जाता है तो उन्हें लगभग 17 से 18 दिन लगेंगे, कह सकते हैं हम 17 से 18 दिन लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना कम समय लग रहा है। तो वो इसको जो है लगभग एक टोल रोड की तरह इस्तेमाल करेगा, इससे पैसा बनाएगा, इससे जो है उसकी अर्थव्यवस्था और सुधरेगी। ये सर्कल है आर्कटिक सर्कल, वो रसिया से भी मिलता है, फिनलैंड से भी मिलता है, नॉर्वे से भी मिलता है, स्वीडन से भी मिलता है, आइसलैंड से मिलता है, कनाडा से भी, और यूएसए अलास्का से भी मिलता है। अब आप ये सोचेंगे इतना बड़ा खजाना है तो रसिया के अलावा और भी तो शक्तिशाली देश है, जैसे अमेरिका, अमेरिका भी तो इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका इस खजाने को पाने की कोशिश तो करेगा तब जब रसिया उसे उस आर्कटिक सर्कल के अंदर में घुसने का मौका देगा। वो रसिया जो है इतना अपना पकड़ बना लिया हुआ है आर्कटिक सर्कल के अंदर कि वो किसी को भी इसका हकदार नहीं मानता। वो बोलता है कि इस पर मेरा कब्जा है, इस ये मेरे सिवा और कोई नहीं ले सकता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का अलास्का राज्य इसकी सीमा से मिलता है। ये अलास्का राज्य पहले रसिया के अंदर में था। रसिया ने मात्र 54 करोड़ में ही ये अमेरिका को बेच दिया था, मात्र 54 करोड़ में ही बेच दिया था। इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है रसिया को, क्योंकि अगर ये अलास्का राज्य रसिया के अंदर में होता तो आज ये अमेरिका इस पर दावा नहीं कर सकता था। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो चाइना हमारा कहाँ पीछे रहने वाला था, चाइना इन समय और आगे रहता है। चाइना का जो
चाइना का इस सर्कल से कोई लेना देना, चाइना से काफी दूर पे ये सर्कल बनता है। चाइना इस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। चाइना पीछे रहने वालों में से है नहीं, चाइना कुछ इतना मिल जाए उतना कम है। चाइना हमेशा ताइवान, और आजकल आप देख रहे होंगे ताइवान को बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहा है, ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है, साथ में ताइवान के बहाने वो जापान में भी अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। तो चाइना का ये तो नेचर ही है। अब आप जो है इस आर्कटिक के खजाने के बारे में जान गए होंगे कि इस आर्कटिक के खजाने में ऐसा क्या है जिसके लिए रशिया अपना पूरा बल लगा के रखा।